गौतम बुद्ध नगर के मार्गदर्शन में जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 28 दिसंबर को विसरक पुलिस टीम के द्वारा एसीई सिटी गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कूटी पर 3 बदमाश निकल रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह तेजी से भाग निकले। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश पवन पुत्र सतीश भाटी निवासी थाना दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया। पवन 26 दिसंबर को हुई चैन स्नैचिंग की घटनाओं के साथ ही अन्य घटनाओं में भी वांछित था और पवन के विरुद्ध 25,000 के इनाम की पूर्व में ही घोषणा की गई थी। इस क्रम में इसके दो अन्य साथी नीसु और शादाब मौके से फरार हो गए, जिसके लिए पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। पवन के विरुद्ध जनपद में अभी तक लगभग 13 अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी संज्ञान में आई है। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर कार्टेज बाय स्कूटी बरामद हुई है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।